असलकम माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने जरा भी इस लैंग्वेज से कुछ कमांड्स को समझा था आज हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं एस क्यू एल की कुछ कमांड्स की प्रैक्टिस करते हैं आए इसको शुरू करते हैं ओके सो इंसर्ट करो मिसिंग स्टेटमेंट को यहाँ पर ठीक हो गया तो क्या हो सकती है सिलेक्ट हो सकता है सिलेक्ट फ्राम कस्टमर्स सबमिट करेक्ट हो गया आंसर नेक्स्ट वो तो क्या कहता है कि सिटी कॉलम को सिलेक्ट करें कस्टमर टेबल से तो क्या बन सकता है सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है भाई सिटी सिलेक्ट करनी है हमें यहाँ क्या गया सिटी दोबारा लिखते हैं सिटी और किसमें से करना है फ्रॉम कस्टमर्स सबमिट करेक्ट आंसर नेक्स्ट अच्छा डिफरेंट वैल्यूज़ को सिलेक्ट करो फ्रॉम कंट्री कॉलम अच्छा ठीक है सिलेक्ट अब यहाँ लिखेंगे हम डिस्टिंक्ट अब डिस्टिंक्ट लिखने से क्या होगा कि वो इस कॉलम में से डिस्टिंक्ट डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करा देगा सिलेक्ट कर लेगा करेक्ट हो गया ग्रेट हो गया अच्छा भाई अब करो सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट जहाँ पर कॉलम वैल्यू है ठीक है बर्लिन है वेयर कंडीशन क्या होगी सिटी इज इक्वल टू बर्लिन सबमिट करते हैं करेक्ट हो गया ये भी ठीक है नेक्स्ट अच्छा नॉट की वर्ड को यूज़ करना है यहाँ पर सिटी इज़ नॉट बर्लिन ठीक है तो कंडीशन क्या बनेगी वेयर नॉट सिटी इज़ इक्वल टू बर्लिन यानी कि सिटी बर्लिन नहीं है सबमिट करेक्ट ग्रेट हो गया भाई ये तो अच्छा अब ऑल रिकॉर्ड्स वेयर कस्टमर आईडी हैज़ द वैल्यू थर्टी टू ठीक हो गया वेयर कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू आएगा और क्या थी उसकी वैल्यू थर्टी टू थी करेक्ट mm, हो गया नेक्स्ट सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स सिटी हैज़ द वैल्यू बर्लिन एंड पोस्टल कॉलम ठीक हो गया अभी तो so, क्या लिखेंगे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट हो गया फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंडीशन लगा रहे हैं सिटी इज इक्वल टू बर्लिन एंड सिटी जो है बर्लिन है और पोस्टल कोड क्या है उसका ये पोस्टल कोड सॉरी कंट्री कोड लिखने लगी थी पोस्टल कोड जो है इसका वो क्या है वन डबल जीरो वन डबल टू ज़ीरो नाइन करेक्ट हो गए भी नेक्स्ट um, करते हैं सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड वेयर सिटी कॉलम हैज़ द वैल्यू बर्लिन और लंडन या बर्लिन है या लंडन है अच्छा तो कंडीशन क्या बनेगी सिटी इज इक्वल टू बर्लिन और यहाँ पर लगेगा और सिटी इज इक्वल टू लंडन सबमिट करके देखते हैं भाई क्या बनता है करेक्ट आंसर अच्छा ऑल रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लो कस्टमर टेबल से और इसको सॉर्ट कर दो अल्फाबेटिकली वही तो बड़ा आसान है यहाँ लिखेंगे हम ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय से वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देगा और किसको करना है किसको करना है भाई सिटी वाला कॉलम को तो लिखा सिटी कॉलम सबमिट करेक्ट हो गया आंसर हमारा नेक्स्ट क्या है भाई सिलेक्ट ऑल रिकॉर्डेबल सॉर्ट अच्छा रिवर्स अल्फाबेटिकल इसको करना है इसके लिए क्या होगा भाई सेम लॉजिक है ऑर्डर बाय अब किसको करना है को अब आगे लिख देना है डेस्क डी ई एस सी डेस्क करेक्ट हो गया भाई ये भी नेक्स्ट चलते हैं सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर टेबल सॉर्ट करना है अच्छा अल्फीबेटिकली सॉट करना है पहले कंट्री वाले कॉलम को और फिर सिटी वाले कॉलम को इसके लिए क्या कंडीशन होगी इसके लिए लोगों के ऑर्डर बाय कर दो पहले किसे करना है कंट्री को कंट्री कॉमा कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और फिर लिखिए फिर किस कॉलम को करना है फिर भी सिटी वाले कॉलम को करना है ये ऑर्डर कर दो पहले कंट्री वाले कॉलम को फिर सिटी वाले कॉलम को ये भी करेक्ट था हमारा ठीक है नेक्स्ट अब यहाँ पर इंसर्ट वाला आ गया ठीक है भाई इंसर्ट करो अच्छा भाई ये सारा डाटा जो है ये इसका करना है तो स्टार्ट कैसे होगा पहले हम लिखते होते हैं इंसर्ट इन कस्टमर टेबल में इंसर्ट करना है तो ये कस्टमर टेबल है हमारा क्या कमांड होगी ये एट्रीब्यूट हैं सारे ठीक है जो हमने इसके अंदर लिखने हैं इंसर्ट इन ठीक है अब यहाँ पर सिंटेक्स हमने एक्चुअली इसका प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर ब्रैकेट पेंसेस शुरू होंगी ये सारे एट्रीब्यूट्स आ गए इसके अंदर फिर पेंसेस हम क्लोज करते हैं फिर नीचे हम इसकी वैल्यूज़ दे देंगे वैल्यूज़ पेरेंट्स स्टार्ट और ये सारा आंसर जैसे कि है कान बर्गर जो है कस्टमर नेम है एड्रेस की जगह ये गिते विन फिफ्टीन और आगे सारा ऑनवर्ड यहाँ पर पेरेंट्स क्लोज अब इसको सबमिट करके देखते हैं भाई सबमिट हो गया करेक्ट हो गया भाई कंग्रेचुलेशंस हम लाइक हो गए हैं अच्छा ऑल रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर फ्रॉम कस्टमर वे पोस्टल कॉलम इज एमपटी एमपटी इसमें कमांड कौन सी लगनी चाहिए सोचो 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 नल लगेगी कि पोस्टल कोड पोर्टल लिख दिया पोस्टल कोड इज नल एमप के लिए हम यूज़ करते हैं नल तो यहाँ आ गया नल सबमिट करते हैं भाई लाइक हो गए हम तो बहुत ठीक है सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर्स व्ययर पोस्टल कॉलम इज नॉट एम्पटी एम्पटी नहीं है तो क्या लिख देंगे सिंपली व्ययर पोस्टल कोड इज नॉट नल भाई जहाँ पोस्टल कोड नल नहीं है उसको आप सारा सिलेक्ट कर लो करेक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट अपडेट करना सिटी कॉलम को ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन द कस्टमर टेबल अच्छा भाई सिटी अपडेट करनी है ऑसलो तो अपडेट कस्टमर्स और सेट करते होते हैं हम वैल्यू अपडेशन में सेट करते हैं ना वैल्यू सेट सिटी टू ओसलो तो सबमिट करते हैं आंसर देखते हैं क्या बनता है करेक्ट हो गया भाई नेक्स्ट है सेट वैल्यू ठीक है कर दो बट वहीं करो जहाँ पर कॉलम हैज वैल्यू नॉर्वे ठीक है कंट्री कॉलम जो है वो नॉर्वे है उधर इस कंट्री सिटी को, को अपडेट कर दो ओसलो तो अपडेट कर दो इस टेबल में सेट कर दो सिटी इक्वल टू तो ऑसलो लेकिन उधर करना वेयर कंट्री इज इक्ल टू तो नॉर्वे सबमिट आंसर करते हैं करेक्ट है ठीक हो गया अपडेट कर दो सिटी वैल्यू एंड कंट्री वैल्यू को अपडेट करना ठीक है, है भाई तो पहले क्या लिखेंगे हम अपडेट कस्टमर्स टेबल में सेट कर दो इट इज इक्वल टू ओ ऑसलो यहाँ लगेगा कॉमा और कंट्री इज इक्वल टू नॉर्वे आगे उसने लिखा हुआ है एक्चुअली ये फिल्म द ब्लैंक्स काइंड है वेयर कस्टमर आई डी इज इक्वल टू थर्टी टू करेक्ट हो गया नेक्स्ट मूव करते हैं डिलीट कर दो तो भी रिकॉर्ड को फ्रॉम कस्टमर टेबल जहाँ कंट्री वैल्यू है नॉर्वे ठीक है भाई तो हम क्या लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू नॉर्वे सबमिट करेक्ट आंसर नेक्स्ट डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर टेबल ठीक है सारे रिकॉर्ड डिलीट करना कर नेक्स्ट लिख दोगे भाई डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स नहीं चाहिए हमें भाई ख़त्म करो इसे करेक्ट हो गया आंसर हमारा हम्म hmm, नेक्स्ट अच्छा अभी फंक्शन स्टार्ट हो गए यह हम नेक्स्ट करेंगे ठीक हो गया तो इनको हम अभी नहीं करेंगे ये हम नेक्स्ट दिखेंगे तो आज की वीडियो तो हमारी होती है भाई यहीं पर ख़त्म थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप सो कि आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा इस वीडियो को देख के काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे आप दोबारा वॉच करोगे वीडियो को तो बहुत ईजी वे में मैंने बताया है बिल्कुल फ्रेंकली वे में कोई टफ़ माहौल नहीं रखा तो आपको काफ़ी मतलब बेस आपकी बन गई होगी इसको कैसे आप लिखते हो ठीक है एसक्यूएल में कमांड्स कैसे आ सकती हैं आप कैसे दे सकते हो उनको सीनैरियोज़ को आप फॉलो कर सकते हो बेसिक बेसिक सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़